सबस्क्राइब करा माझा यूट्यूब चॅनल आणि नोटिफिकेशन आयकॉन बिल दाबायला विसरू नका. बहुत गंभीर स्थिति है, जैसा आपके सामने है कि एक लगभग ये 4.5 साल की गाय है, इसके पेट में से 50 किलो पॉलीथीन निकलना, मीन्स उसके पेट में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं. तो ऐसी हमारे शहर की सभी गायों की स्थिति है, लगभग लगभग सभी गायों की स्थिति है. और इसमें हम लोग जब तक कचरा पॉलीथीन में फेंकना, पॉलीथीन का यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये गायों की स्थिति नहीं सुधर सकती. बहुत ही भयावह स्थिति है गायों के लिए शहरी क्षेत्र में. ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यह बताना है कि जिस पॉलीथीन का उपयोग हम अपनी सुविधा के लिए करते आ रहे हैं और बाद में इसे इस्तेमाल कर यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं, वह किस रूप में हमारी गौ माता की जान की दुश्मन बन बैठी है. इंदौर शहर में रोजाना 15 से 20 गायों की मौत पॉलीथीन खाने के कारण हो रही है. सड़क पर घूमने वाली हर गाय इनकी शिकार हो रही है और यही स्थिति प्रदेश के सभी शहरों में भी है. अब पशु चिकित्सकों के सामने मुश्किल यह है कि अब तक ऐसी कोई दवाई नहीं मिली है जिससे पॉलीथीन को गाय के पेट से निकाला जा सके.